घर में कहते हैं घर के जो शेर होते हैं वो टीवियाँ होती है अक्सर, लेकिन यहाँ पे तो शेर घर में भी आप हैं बाहर भी आप हैं, तो शायद घर का माहौल ज़्यादा ही कुछ बिगड़ा हुआ है जो ऐसी वही है ना कि ये सिलसिले हैं बदलते रिश्तों के। सो हम वो दिखा रहे हैं कि जैसा हम सोचते हैं ऐसा नहीं होता है अक्सर, यू नो रिश्तों के बीच में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो घर के अंदर अलग हैं बाहर अलग दिखती हैं। आप राजदीप नंदनी को ले लीजिए, बाहर राजदीप जो है नंदनी के साथ बहुत प्यार से रहता है, यू नो व्हेन समबडी इज़ वॉचिंग, बट घर में इज़ अ टोटल कंट्रोल फ्रीक। एंड और अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही कुछ असलियत में फैमिलीज़ हैं जो ऐसे रहती हैं वेयर द मेल इज़ वेरी डोमिनेटिंग एंड इट्स ऑलवेज हिज वेज। तो वही दिखा रहे हैं हम, बस सिनेमा के जरिए दिखा रहे हैं। जब रिश्ते बदलते हैं करोड़ बदलते हैं तो शायद किसी की जान लेनी पड़ती है, जान देनी पड़ती है, तो यहाँ फिलहाल अभी वो नौबत तो नहीं दिख रही है, लेकिन ये कुछ अलग ही फ्लेवर दिख रहा है राजदीप का कि शायद उस एंगल में भी जा सकते हैं कि जी। तो इस नहीं वैसा वो एंगल में नहीं जाएंगे, द शो इज अबाउट यू नो टू कपल्स एंड उनकी लाइफ एंड हाउ दे क्रॉस पाथ्स इन फ्यूचर। There is no violence of any sort. ऐसा कुछ नहीं है कि किसी की जान जाएगी। लेकिन पूरा माहौल किसने सजाया था आपके लिए, ये जो पूरा डेकोरेशन था ये किसने किया था आपके लिए? खुद नंदनी ने खुद किया था, बिकॉज वो राजदीप ने उससे कुछ मांगा था, उसने वो दे नहीं सकी और उसने कहा कि ठीक है तो आई विल कॉम्पेंसेट हिम बाई जस्ट डेकोरेटिंग हिज रूम। तो शी डेकोरेटेड द रूम बट शी गॉट सरप्राइज कि मैं किसी और यू नो एक हॉट सी लड़की के साथ घर में आया हूँ। And, तो वही दिखाया अभी हमने, we just shot that. अच्छा लास्टली ये बोलूँगा कि मतलब इस चीज़ के लिए शायद राजदीप थैंकफुल होंगे अपनी बीवी के लिए, ये जो उन्होंने पूरा सा हाँ तो वो है ना सीन में कि राजदीप कहता है थैंक यू क्या सजाया तुमने मेरी आज की रात बहुत अच्छी निकलेगी, लेकिन वो रात बाहर वाली के साथ बिताने वाला है।